सन कंपनी विच इज बेसिकली ऑनर्ज ऑफ जावर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे से दैट पावरलाइज इन द नेटवर्क कि इंडिविजुअल रिसोर्स जो हैं वो पावरफुल नहीं होते लेकिन जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो दे बिकम वेरी वेरी पावरफुल सो आवर फोकस इन दिस मॉड्यूल इज ऑन दैट इंटरकोनेक्शन टाइप थिंग विच इज़ यूज फॉर नॉलेज डिस्कवरी अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो नेटवर्क में आ, फ, फ, आ, फ, आ, काम करती है फॉर नॉलेज डिस्कवरी क्लासिफिकेशन और फ्रेमवर्क दैट इज़ न्यूरल नेटवर्क अब वाई दे आर कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क बिकॉज दे आर टेकन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है ह्यूमन ब्रेन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सेवरल न्यूरोन्स वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो न्यूर बेसिकली वो पार्टिकल्स हैं जो ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग में हेल्प करते हैं एंड एंड हाउ डू दे परफॉर्म दर्क दे कम्बाइंड टूगेदर टू परफॉर्म सम टास्क अब जिस पर न्यूर की ज़्यादा वेटेज होगी जो ज़्यादा अहमियत वाला होगा ज़्यादा फोर्सफुल होगा वो ज़्यादा शेयर करेगा इंफॉर्मेशन को और उसकी मदद से हमारा ब्रेन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन दिस आइडिया इन मशीन लर्निंग वी हैव आर्टिफिशल न्यूरल नेटवर्क जो यही काम करते हैं कि रिसोर्स को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोस उन्हें वेटेज असाइन करते हैं और देन प्रोड्यूस सम यूजफुल आउटपुट सो बेसिकली व्हाट इज अ नेटवर्क इट इज अ कनेक्शनिस्ट कंप्यूटेशनल सिस्टम कनेक्शनिस्ट मीन्स के जो रिसोर्सिस हैं दे आर ऑल कनेक्टेड टू मेक वन नेटवर्क देन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस करेक्टिवली इन पैरलर थ्रू आउट अ नेटवर्क ऑफ नोड्स सपोज देर आर टेन नोड्स तो सब के सब नोड्स में पैरोलरी इंफॉर्मेशन चलेगी जैसे फर्स्ट नोड सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन हर नोट के अंदर इंफॉर्मेशन पैरल में फ्लो हो रही है देन दे हैव दे स्पेसिफिक वेट्स दे विल कम्बाइन टुगेदर एंड देन जनरेट द आउटपुट सो इट हैज़ कम्पलेक्स एडाप्टिव सिस्टम कम्प्लेक्स अडोप्टिव सिस्टम क्या है कि जो फाइनल आउटपुट आएगी वो कैसे अडॉप्ट हो रही है कौन सा जो न्यूरोन है उसकी इन्फॉमेशन को ज्यादा अहमियत दी जा रही है दैट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स सो हेर आई हैव गिवन एन ऑफ है नेटवर्क लेयर्स अब हमारे पास होती क्या है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने शो किया है बेसिकली दीज आर आवर इनपुट लेयर्स थ्री इनपुट लेयर्स ये हमारे वो न्यूरॉन्स हैं या ये हमारी वो सिम्टम्स हैं सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमारे पास सिम्टम्स हैं और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कौन से डिजीज़ हैं तो अब क्या होगा कि ये हमारी वो सिम्टम्स हैं जो एक डिजीज के लिए हैं ऑन द अदर हैंड दीज हिडन लेयर्स दीज आर अनु अस ये वो लेयर्स हैं जिनका हमें नहीं पता वट वट वी नो इज़ दिस आउटपुट लेयर दीज आर आवर सिम्टम्स ऑन द लेफ्टाइड एंड दीज आर आवर डिजीजे विच आर आवर फाइनल क्लासीफिकेशन अब क्या होगा ये जो सिम्टम्स हैं इन देशों के अंदर यहाँ पर इनमें एसोसिएशन फाइंड आउट की जाएगी कि कौन से सिम्टम्स आपस में एसोसिएटेड हैं कौन से सिम्टम्स ऐसी हैं जो ज़्यादा रोल प्ले करती हैं फॉर सम डिज़ीज़ और कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से रेमिडी की तरफ हम जा सकते हैं फॉर डिजीज़ तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर हिडन है जो इस लेयर में होगी कि उनकी एसोसिएशन क्या है कौन सी ऐसी हैं जो डिजीज की तरफ ज़्यादा जा रही हैं और कौन सी हैं जो मेडिकेशन की तरफ जा रही हैं एंड फाइनली इन दिस वन वी विल हैव क्लासीफायर कि डिजीज़ कौन सी है हार्ट फेलअर है या ब्लड प्रेशर एंड वट अदर डिजीज आर देट वुड बी पार्ट ऑफ दिस लेयर इन न्यूर नेटवर्क फेमस मॉडल इज दिस मैकलोव पिट्स मॉडल ये बेसिकली सिंपल सा एक मॉडल है जिसके अंदर हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट्स को दिखाया गया है अगर इनकी हम डिटेल देखना चाहें तो वट विल हैपन दीज आर आवर सिम्ट सिम्टम्स विच आर फ्राम एक्स वन टू एक्स एन या जो हमारी इनपुट्स भी हैं अब क्या है कि हर सिम्टम के अगेंस्ट एक वेट है फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट दिस एक्स वन वी हैव दिस डब्ल्यू वन यानि कि एक्स वन का क्या वेटेज है सिमिलरली फॉर दिस एक्स एन माइनस वन वी हैव दिस डब्ल्यू एन माइनस वन अच्छा अब जो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है या ये जो प्रोसेसिंग हो रही है ये प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा ये वाला ये क्या कर रहा है कि ये समप कर रहा है सारे के सारे सिम्टम्स को विद देयर वेट्स यानी कि पहले क्या करेगा कि एक्स वन और डब्ल्यू वन का प्रोडक्ट लेगा और उसका सम लेगा विद एक्स वन और डब्ल्यू टू के प्रोडक्ट से यानी कि X1 और W1 का प्रोडक्ट X2 और W2 का प्रोडक्ट X3 और W3 का प्रोडक्ट एंड सोन और फाइनली इन सब प्रोडक्ट्स को सम कर लिया जाएगा दैट वुड बी द फाइनल आउटपुट और इस आउटपुट की मदद से बताएगा कि वट इज़ वाई विच इज़ आवर फाइनल आउटपुट कि अगर सिम्टम्स हैं किसी डिजीज़ की तो उन सिम्टम्स की क्या वेटेज है और फिर वो क्या डिजीज़ को अगर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन

दैन वी आर लर्निंग बाई मोडिफिकेशन ऑफ सैनेप्टिक स्ट्रेंथ सैनेप्टिक स्ट्रेंथ हमारे पास ये है जैसे अगर न्यू ब्रेन के अंदर हम न्यूरॉन की बात करें तो जो न्यूरॉन्स ट्रिगर होते हैं दे आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल सनेप्सिस इलेक्ट्रिक सैनेप्सिस मीन्स के इलेक्ट्रिक पल्स की वजह से वो uh, जो है अपना ट्रेवल करते हैं या मूव करते हैं या एक्टिव होते हैं तो सिमिलरली दीज सिग्नल इन आर्टिफिशियल न्यूर नेटवर्क कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन दिस वेटेज फैक्टर